तो देखो, लास्ट लेक्चर का हमारा लास्ट का 10 मिनट्स म्यूट रह गया था, और क्योंकि मेरा माइक जो था उसका बैटरी डाउन था, तो एक्चुअल में वो स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चल पाया, तो फिर लास्ट के 10 मिनट इसलिए म्यूट रह गया। तो मैं वो पार्ट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो पहले वो पार्ट हम लोग रिपीट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे बनाना बॉन्ड के बारे में। बनाना बॉन्ड क्या होता है? बनाना बॉन्ड इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बात को ध्यान रखना। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है बहुत मजबूरी का बॉन्ड है, मतलब बस कैसे तैसे काम चल रहा है, बस कैसे तैसे, मतलब बहुत मजबूरी में बॉन्ड है। ये वैसे समझ लो कि भाई कोई आदमी, मतलब पहले बनाता कौन है? देखो, वो एलिमेंट बनाएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो बनाना बॉन्ड वो बनाएगा जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा। तो ऐसे समझो जैसे मान लो किसी आदमी के पास भाई खाना खाने को नहीं है, मतलब भूखा है बेचारा, अब कैसे तैसे थोड़ा बहुत खा के पेट भर ले रहा है बस, तो मतलब कैसे तैसे बस जिंदा है। तो बनाना बॉन्ड वही है, कैसे तैसे बॉन्ड बना के सर्वाइव कर गया, बस सर्वाइवल का कंडीशन है, सर्वाइव कर गया, बाकी खुश नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लालच देगा बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कब बनेगा? जब ऑक्टेट पूरा नहीं होगा और किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं होगा, तभी बनाना बॉन्ड बनेगा। आप इस चीज को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑक्टेट नहीं पूरा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा नहीं, तो बहुत मजबूरी में ये बॉन्ड बन जाता है, ठीक है? तो हम लोग डाई बोरॉन के बारे में कर रहे थे, फिर से उसको समझते, देखो क्या होता है। डाई बोरेन B2S6, दिस इज डाई बोरेन, तो ये एक बनाना बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ये तीनों आपस में म्यूचुअली शेयर करेंगे, और आपके पास ये दूसरा बनाना बॉन्ड होगा, मतलब ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, मतलब ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने सेंटर? 1 2 3, पर 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब देखो है क्या इसमें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है? इसमें देखो कुछ नेमिंग बोलते हैं इनके बारे में हमको समझना। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बनाना बॉन्ड है, दोनों में डिफरेंस है, बनाना बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन है हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन, कि भाई लास्ट में हाइड्रोजन है, ठीक है? तो टर्मिनल कहलाएगा, लास्ट में। और ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन दोनों को जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं ब्रिज। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन, जो आप बोलना चाहो, ठीक है? तो ये होगा ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ठीक है? ये आपके पास होगा। पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग भाई समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह हम लोग मैथ की इस बुकलेट का यूज करेंगे स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है? तो ये सपोज करती, ये बुकलेट देखो, इसका प्लेन देखो, तो इसमें बोरॉन और ये हाइड्रोजन एक प्लेन, मतलब कैसा है? देखो बोरॉन, देखो कैसा, समझो यहाँ बोरॉन, यहाँ बोरॉन, ठीक है? बोरॉन है ये हाइड्रोजन एक आगे की तरफ आपकी तरफ है। अरे भाई टर्मिनल वाले की बात हो रही है, एक आपकी तरफ आगे है, एक मेरी तरफ पीछे है, ठीक है? फिर ये वाला भी एक आपकी तरफ आगे है और एक मेरी तरफ पीछे है, ठीक है? ये जो ब्रिज वाले जो हाइड्रोजन होते हैं, इसमें से एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है? अगर आप समझो, अगर आप समझो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में कितने एटम है? 6। तो ये और ये नीचे वाला हाइड्रोजन छूट जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि ब्रिज वाले हाइड्रोजन उसके मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं होते, ठीक है? तो इसमें देखो नीचे लिखते हैं, लिखो इन डाइबोरेन ऑल दिस सिक्स एटम आर
नॉट प्रेजेंट इन वन प्लेन. इन दिस फोर हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन वन प्लेन वेयर एज प्लेन ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन इज डिफरेंट. इन दिस वन ब्रिज हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड अदर ब्रिज हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन. तो एक ऊपर होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है, सारे के सारे एटमिक प्लेन में नहीं है. अच्छा, मैक्सिमम कितने एटमिक प्लेन में ले सकते हो? तो अगर आप मान लो प्लेन से इससे कट करते हो तो चारों हाइड्रोजन और दो बोरॉन, तो मैक्सिमम छह आइटम आ पाएंगे, ब्रिज वाला छूट जाएगा. तो इसमें नीचे लिखो, लिखो इन डाइबोरेन मैक्सिमम सिक्स आइटम कैन बी टेकन इन वन प्लेन, और ब्रैकेट में लिख लो फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन. ठीक है, तो ये आपके पास होता है वही डाइबोरेन. मैंने वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताया होगा, नहीं बताया तो देखो, अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड सिंगल, तो वो चाहे कोवेलेंट हो, बनाना हो या कोऑर्डिनेट, उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, इस बात को ध्यान रखना है. अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट सिग्मा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या बनाना बॉन्ड है, डजेंट मैटर, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करोगे. तो यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडेशन एसपी थ्री. अरे भाई, नॉन प्लेनर आ रहा है ना, तभी तो एसपी थ्री तो होगा ना ये, तो एसपी थ्री. हाँ, अगर आप बीएस थ्री में पूछोगे तो ये है एसपी टू और एसपी थ्री. ठीक है, तो ये हो गया डाइबोरॉन के बारे में कुछ स्टोरी. तो अब देखो है क्या क्वेश्चन, ये आता है कि ये और कौन बनाता है, मतलब और कौन ऐसे काम कर सकता है. तो देखो, ऐसे काम वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब होता है ना मजबूरी, मतलब बहुत मजबूरी में. अरे जैसे रियल लाइफ में मजबूरी, पता है पैसा होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सबको पता है. तो वैसे ही मजबूरी, मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, तब जाके बॉन्डिंग बनेगी बनाना बॉन्ड, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है. अगर ये नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. जब सारे रास्ते बंद होंगे तब यही एक रास्ता बचता है. तो कैसा मॉलिक्यूल, जहां पे ऑक्टेट नहीं पूरा है बेचारे का और कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं, तो वैसे. तो एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ये, इसके ज्यादा केसेस होते नहीं है, लिमिटेड केस है. पहला डाइबोरेन और दूसरा ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल पे 2018 में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, और बाकी डाइबोरेन पे तो क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस, सीटी, नीट सब एग्जाम में आता रहता है. मतलब आप 20 साल का अगर पेपर उठा के देखो तो दो तीन बार जेई एडवांस में, दो तीन बार जेई मेन में, तीन चार बार नीट में और दो तीन बार सीईटी में, सब एग्जाम में आ रखा है. तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे वो आए ना, उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है डाइबोरेन. ठीक है, उसमें प्लेन ध्यान रखना है, सब जो मैंने बताया उसका हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना. ठीक है, अब देखो एल इसमें क्या होता है भाई, जब भी मजबूरी होगी तब वो बॉन्ड बनेगा. अब ऐसा है कि ये CH3 ऐसा होता है, ये डाइमर बनाता है, मतलब देखो CH3 ऐसा, मतलब ऐसा होता है कि ये, मतलब ये डाइमर है, ये है, इसको क्या बोल सकते, दिस इज डाइमर, मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, दिस इज डाइमर ऑफ एल CH3 थ्राइस. आपने एक रूम में अगर एल CH3 थ्राइस को फिल कर दिया तो ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के डाइमर बना देंगे Al2CH3 6. ठीक है, कैसे बनेगा, देखो ये मॉलिक्यूल पास पास आए, बेचारे का ऑक्टेट नहीं पूरा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. अब देखो Al2Cl6 में, Al2Cl6 में सेल के पास लोन पेयर था, देख के निपटा दिया उसने, पर यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है. अब क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा. तो देखो क्या होता है, तो इन्होंने बोला चलो भाई मिलके बनाना बॉन्ड बनाते हैं, ये भी खुश, ये भी खुश, और भाई इसने भी कहा चलो ऐसा ही कर लेते हैं. तो ये ऐसा, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, कितने सेंटर है, 1 2 3, तो ये भी बनाना बॉन्ड है, ये भी बनाना बॉन्ड है, सो दिस इज डाइमर ऑफ Al2CH3 6. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास होता है. तो बनाना बॉन्ड समझ में आपको आ रहा होगा कब बनता है.
ठीक है, बहुत मजबूरी में ही बनता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल दिए जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट बनाना बॉन्ड, ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो अब एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने बी ई सी एल टू सॉलिड किया था, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था भाई, पॉलीमर जो बनता है वही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी ई एस टू सॉलिड। देखो अगर आप बी ई एस टू की बात करो गैस, तो गैस वाला तो ये होता है, तो ये आपके पास गैस वाला एस पी हाइब्रिडाइज, ठीक है। लास्ट वाले में भी एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम वॉस एस पी थ्री हाइब्रिडाइज, तो ये एस पी हाइब्रिडाइज होता है। अब हम लोग लेकिन देख रहे हैं बी ई एस टू सॉलिड, मतलब बी ई एस टू सॉलिड को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं पूरा है, मजबूरी भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी मैजिक या चमत्कार की जरूरत है। तो क्या होगा देखो, सॉलिड में देखो, गैस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते, सॉलिड में पास पास आ गए, इतना बहुत है। और ड्रॉ करने का मैंने एक और ड्रॉ कर लो भाई, ये बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं पूरा हो गया, हो रहा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन होते, तो उसने कहा चलो हटाओ इसको, बनाना बॉन्ड बनाओ, तू भी खुश मैं भी खुश सब खुश, बनाना बॉन्ड बनाना बॉन्ड बनाना बॉन्ड बनाना बॉन्ड। अब भाई आगे करते रहना, बहुत बोरिंग काम है, बना लेना, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन, तो ये चार बॉन्ड बना रहा है तो sp3। तो अगर आपको BeS2 सॉलिड का अगर पूछा, BeS2 सॉलिड, तो वह sp3 होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में बनाना बॉन्ड बनता है। तो देखो बेरिलियम को ऑक्टेट नहीं पूरा और कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, तो मतलब बनाना बॉन्ड का बनता है। बनाना बॉन्ड बनता है जब बहुत मजबूरी होती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बनाना बॉन्ड बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे बेरिलियम होता है उसी के नीचे पीरियोडिक टेबल में इसका भाई है मैग्नीशियम, तो सेम वैसे मैग्नीशियम भी करता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स थे जो मॉलिक्यूल बनाना बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो बनाना बॉन्ड, ये बात को ध्यान रखना है कि मजबूरी का नाम है बनाना बॉन्ड, ठीक है, मजबूरी का नाम है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो भाई उसको करते हैं, मतलब और कुछ नहीं। तो देखो होता क्या है कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए, सिंपल सा लॉजिक है। जब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी में करना पड़ेगा, तो जो बहुत मजबूरी में बॉन्ड बनाता है वो है बनाना बॉन्ड, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि मजबूरी का दूसरा नाम, केमिस्ट्री में मजबूरी का दूसरा नाम बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो हो गया ये हमारा बनाना बॉन्ड, और हम लोगों ने क्या है कि रेजोनेंस भी समझ लिया। अब हम लोग इसमें एक दो टॉपिक पहले और समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक टॉपिक करते हैं बैक बॉन्डिंग, तो देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पहले समझ लो कि एक्चुअल है क्या। ये वैसे है जैसे रियल लाइफ में होता है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी, ऐसा पता रहा होगा ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी क्या, जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, देखो अब आप लोग कोई ये मत कहना कि सर मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बहुत अच्छे, अरे मैं किसी के लिए पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा भाई, तो कोई उसको पर्सनली दिल पर ना ले, बस सिंपल सी बातें समझो। मान लो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, मान लो कोई पुलिस में है या फिर कहीं पे भी, मान लो वैसे आजकल पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, पर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और एक तो सैलरी होती है जो अकाउंट में आती है, और एक होता है अंडर द टेबल, अरे होता है टेबल के नीचे छिप के पैसे ले लेते हैं, जो अंडर द टेबल होता है जो छिप के पैसे लेते हैं वो होता है ब्लैक मनी, जो छुप के लेते हैं। तो वो जो छिप के पैसे ले जाते हैं ब्लैक मनी, वैसे जो छुप के जो बॉन्ड बनेगा वो होगा बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग मतलब चोरी चोरी होगा ये, तो कैसे होगा देखते हैं। एक मॉलिक्यूल है BF3, हमने BF3 को रूम में रख दिया, मतलब एक रूम में BF3 को रख दिया, देखा BF3 डाइमर ही नहीं बनाता है, आराम से खुश है,
ब्रह्मचारी कहता है भाई मैं खुश हूँ, मुझे किसी से बॉन्डिंग नहीं करना, आई एम वेरी हैप्पी। तो लोगों को लग रहा है कि भाई क्या हो गया। आप ऐसे समझ लो, चलो रियल लाइफ में समझते हैं कि मान लो एक आदमी के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी आ रही है, पर लोग देख रहे हैं यार इसके पास यार लिमिटेड सैलरी है, पर कार लिए जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, लोग सोच रहे कहाँ से आ रहे पैसे। तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोगों ने सोचा कि शायद अंडर द टेबल ले रहा है, ब्लैक मनी ले रहा है। तो वैसे ही तो BF3 एक मॉलिक्यूल है, लोगों ने देखा स्टेबल है भाई, कुछ नहीं, खुश है, अपने में अपने खुश है, किसी की जरूरत ही नहीं। बोला ना मुझको डाइमर बनाना है, ना मुझे कुछ करना है, मैं अपने आप में खुश हूँ भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। तो लोगों ने सोचा कि क्या है, क्या है इसमें। तो अब देखते कि क्या है। फ्लोरीन में लोन पेयर, तो इस पे लोन पेयर है, और भाई बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। बोरॉन है भाई, बोरॉन हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं। तो देखो पहले क्या होता है, 2s2 2p1 एक्साइटेड स्टेट में आगे चला जाता है, तो 2s1 और 2p2, s में एक इलेक्ट्रॉन और p में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलके बना दिया sp2 और बॉन्डिंग कर ली, पर यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे वैकेंट है ना, ये खाली खाली पड़ा हुआ है, और बेचारे का ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो बोरॉन ने बोला फ्लोरीन से, बोला भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल, दया करो बॉन्ड बना लो, मैं भी स्टेबल। और बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, तू भी खुश मैं भी खुश। तो मतलब देखो क्या हुआ, इसके पास ऑक्टेट नहीं पूरा, वैकेंट ऑर्बिटल, बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हुआ, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इसके पास लोन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, इसने इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई चोरी चोरी कि भाई ये भी स्टेबल हो गया और इसका भी कुछ नहीं गया। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट पर वैकेंट ऑर्बिटल है और उसके बगल वाले पे एक पर वैकेंट ऑर्बिटल, उसके बगल वाले पे लोन पेयर है, तो दोनों मिलके आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है बैक बॉन्डिंग, मतलब आपस में हो गया, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो पहले क्या है, इसमें लिखो इफ, अगल बगल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो गया, अगल बगल, ठीक है, अगल बगल होगा पहचान जाओगे। इफ एन एलिमेंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू दैट एलिमेंट, देन इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, दैट इज इफ लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन इन अ मॉलिक्यूल, वही लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन इन अ मॉलिक्यूल, देन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। तो ये क्या कहलाता है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो फ्लोरीन एंड बोरॉन फॉर बैक बॉन्डिंग, सो BF3 मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो BF3 मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल। बैक बॉन्डिंग में हमेशा एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा तो मतलब देखो, पहली बात, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉर्मली सिग्मा होता है ये, अरे एक तो पहले से ना दूसरा बनना है डबल, तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। तो नॉर्मली बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो जैसे रेजोनेंस में आपको बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है,
ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो लिखो नॉर्मली पाई बॉन्ड, नॉर्मली पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बैक बॉन्डिंग एंड बैक बॉन्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और बैक बॉन्डिंग को हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसीडर नहीं करते, ठीक है। एक पहले टर्म समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक टर्म समझते हैं, लोएस एसिड, लोएस एसिड, लेवेस एसिड। आप बोलोगे सर ये क्या है भाई, एसिड को डिफाइन करने के कई तरीके होते हैं, उसमें से वन ऑफ द मेथड है। सर आप बोलोगे सर कब पढ़ाओगे एसिड के बारे में, आएगा, इंतजार करो, आएगा दिवाली के बाद, दिवाली नवंबर में, दिवाली के बाद वही स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। दिवाली के बाद हमारा टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें पीएच भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक। और मैं आपको देखो इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपसे तब पूछ भी लूँगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिडिक और बेसिक आपको इतना पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप कभी जिंदगी में एसिड और बेस के बारे में पूछोगे ही नहीं। उसके बाद आप, आपको कोई एसिड और बेस दिखाएगा तो आप उससे हाथ जोड़ लोगे, ये चीज़ की गारंटी है। आपको अगर कोई डाउट है तो क्लास 12th के बच्चों से जाके पूछ लो। आयनिक इक्विलिब्रियम में इतना करवाया जाता है, उसके बाद बच्चा पूछता ही नहीं, उल्टा ये कहता है भैया आयनिक इक्विलिब्रियम से दूर होता तो अच्छा होता, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी के मन में डाउट है सर कब करवाया जाएगा, करवाया जाएगा, टेंशन ना लो, और ऐसा करवाया जाएगा कि आप दोबारा पूछोगे भी नहीं। तो इसलिए आगे एसिड में क्या क्या होता है रिसर्च बाद में करेंगे। फिर आता सर यहाँ क्यों करवाया, अरे थोड़ा बैक बॉन्डिंग का यूज इसलिए करवाया। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं करवाना, अगर बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते बस, और कोई सेंस नहीं। बाकी एसिड क्या है क्या है आगे रिसर्च करेंगे, भयंकर रिसर्च करेंगे, ऐसा रिसर्च कि आप उसका हाथ जोड़ लोगे। तो लोएस एसिड क्या होता है, ये बोलता है भाई जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो एसिड होता है। इसने बोला जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितना कमी होगी उतना अच्छा एसिड। मतलब जैसे मान लो गरीब, बोले कि जो जितना गरीब होगा उतना अच्छा एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, गरीबी है इसके पास, तो जो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा गरीब होगा मीन्स कि जो बहुत पुअर होगा इलेक्ट्रॉन में वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या लोएस एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, इसके रिलेटेड बहुत से वर्ड होंगे शायद आपको कभी दिख जाए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मुझसे भी लास्ट है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल, अभी 12th के जो बच्चे आए लास्ट है भी हर साल स्टोरी पूछा करते सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है, आगे आके बता दिया जाता है, उसके बाद पूछना बंद कर देते हैं। और हर चीज़ देखो 11th 12th की जेई की पढ़ाई में हर चीज़ जब बताया जाता है तो ऐसा बताया जाता है उसके बाद आदमी कभी पूछता ही नहीं है। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन अब देखो हो गया, पहले बहुत था जब केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी जब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पहली बार बोला कि एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो लोग पूछते सर क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो बहुत मन करता है जानने का, अब बता दी हर चीज़ें, ठीक है, अब आपके मन में डाउट नहीं आएगा। तो आगे बहुत बताया जाएगा आपके मन में, फिर डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। तो एसिड क्या होता है इसके हिसाब से ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन में जितना गरीब होगा, जितना पुअर होगा उतना अच्छा एसिड। मतलब गरीब होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो है एसिड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इज लोएस एसिड, नीचे लिख लो कि मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इज मोर एसिड, जितना इलेक्ट्रॉन कम उतना ज्यादा एसिड, ठीक है, लिख लो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इज मोर एसिडिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो नीचे लिखो इसमें, नीचे लिखो लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड कैरेक्टर, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड कैरेक्टर। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है,
जिनको लुइस एसिड के करेक्टर में अरेंज करना है, BF3, BBr3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है। देखो बॉन्डिंग का एक उसूल होता है जो मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला कि भाई दोस्ती रियल लाइफ में क्या होती है, अपने औकात वाले से होती है, अपने औकात वाले से, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ऐसा सिर्फ मिथुन की मूवीज में होता है कि मिथुन की मैरिज किसी बड़ी लड़की पैसा लड़की, मिथुन की मूवी में सिर्फ ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी अपनी बेटी की मैरिज किसी से भी करते हैं, ठीक है। तो भाई लेवल औकात देखी जाती है, ठीक है। अब बॉन्डिंग जब करनी है तो औकात देखी जाएगी, ठीक है। औकात का मतलब बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, आसपास के एलिमेंट है, अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छा लगेगा। क्लोरीन बड़ा हो गया, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जब भी डिफरेंस क्रिएट होगा तो दोस्ती में दरार आएगी या बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। बॉन्डिंग पता ना रियल लाइफ में दो लोगों में बोलते हैं बॉन्डिंग अच्छी, दोस्ती अच्छी है, फ्रेंडशिप अच्छी है, डिफरेंस और ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्डिंग और पुअर होती जाएगी। डिफरेंस और बड़ा, बॉन्डिंग और पुअर। तो अब इसमें देखो होता क्या है, तो ये बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल कर देता है, ठीक है। और फ्लोरीन और बोरोन का साइज देखो, फ्लोरीन और बोरोन का साइज आसपास है, अच्छा बॉन्डिंग करेगा बोरोन खुश, बोरोन स्टेबल, ठीक है। आयोडीन को समझो, आयोडीन का साइज बड़ा है भाई, लार्ज साइज है, तो बॉन्डिंग करने में क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, तो ये क्या नॉट गुड। तो बॉन्डिंग इसका क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो देखो क्या है इसमें, आयोडीन का साइज बड़ा है और बोरॉन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा, तो बैक बॉन्डिंग इज पुअर। और यहाँ बैक बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा देखो लुइस एसिड क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो देखो क्या होगा, आप समझो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अच्छा बैक बॉन्डिंग कर दी तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, हाँ भाई मिल गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ भाई ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो एसिड नहीं रहेगा, लुइस एसिड मैंने क्या बोला, जो जितना गरीब होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन से डिफिशियंट होगा, जितनी कमी होगी, इसकी कमी तो पूरी हो गई, जब कमी पूरी हो गई तो ये एसिड नहीं रहा। यहाँ पर साइज बड़ा है, अच्छा से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया, तो इसकी कमी बेचारे की नहीं पूरी, मतलब बेचारा गरीब था और सामने वाला से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल नहीं पाया, तो बेचारा गरीब का गरीब रह गया। तो जब गरीब का गरीब रहा, इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल पाए, क्यों, आयोडीन का साइज बड़ा है, पुअर बैक बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये स्टेबल नहीं हो पाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लुइस एसिड, ठीक है। तब क्या होता है कि इसमें इधर जाने पर क्या होता है, साइज अरे भाई इसका टर्मिनल आइटम का इंक्रीज करता है, तो इधर जाने पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, और बैक बॉन्डिंग अगर डिक्रीज करेगा तो फिर भाई भाई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो डिफिशियंट हो वो बढ़ता ही जाएगा। इसको मिल गया अच्छा बैक बॉन्डिंग, मिल गया खुश हो गया, इसको नहीं मिल पाया तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो बढ़ता जाएगा, तो फिर जो लुइस एसिड, जो लुइस एसिड वाला करेक्टर वो भी बढ़ता जाएगा। तो कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है ये, ठीक है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो, लिखो एस साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, एस साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, सो बोरॉन रिमेन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सो बोरॉन रिमेन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सो बोरॉन बिकम लुइस एसिड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बोरॉन का हो जाएगा, लुइस एसिड बन जाएगा। तो ऐसे कंपेयर करने के लिए आते हैं, आप बोलोगे सर और एग्जाम्पल करवाया जाएगा, भाई हम लोग बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन कर रहे हैं, एसिड और बेसिक ऑर्डर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एक बैक बॉन्डिंग का एक एप्लीकेशन और करेंगे,
जेई 2005 का क्वेश्चन है। आईआईटी जेई में 2006 तक सब्जेक्टिव पेपर भी आया करते थे, पर अब तो नहीं आते। तो 2005 का 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NCS3 थ्राइस एंड SiS3 थ्राइस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड दैट मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ। और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है दोनों में, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच लो इसकी चांस कम है, मतलब सोच सकते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर कम है चांस। पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ भाई, देखो होता क्या है, देखो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। मैथ्स क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, रगड़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अगर आपको पता है, जो पता है वही आएगा। अगर आपको पता है तो आपके मार्क्स फुल में फुल बहुत मार्क्स आएंगे। इसीलिए लोगों को देखोगे तो केमिस्ट्री में भर भर के मार्क्स आते हैं, एक्चुअल में फैक्ट है। हाँ, अगर नहीं पता है तो 0 या 5 या 10 नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री में नॉर्मली डिफरेंस ज़्यादा होता है, या तो पता होगा तो बहुत मार्क्स आएंगे, या फिर नहीं पता होगा तो कम मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ आप सोच नहीं पाओगे, पता है तो पता है। अब भाई हाँ, देखो रीज़न तो मैं बता ही रहा हूँ, पर नॉलेज वाला सब्जेक्ट इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। वैसे भी तो इस बार का अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, मतलब फाइनली जेई मेन का, पर नॉर्मली जैसे लास्ट ईयर की चलो बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा, इसको सुन लो। केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, कोई भी एग्ज़ाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले पेपर केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे। किसी भी टीचर से बोलोगे, पूछोगे इंडिया में किसी भी समझदार टीचर से पूछोगे तो केमिस्ट्री बोलेगा, ठीक है। अब कोई XYZ कोई टीचर मैथ फिजिक्स बोलते वही वो अलग बात है, पर आपको कोई IIT का टीचर पढ़ाने वाला तो बोलेगा ही नहीं। हर IIT के टीचर पढ़ाने वाला यही बोलेगा केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। हर एक टीचर पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ये फिक्स ऑर्डर है। केमिस्ट्री के पेपर जेई मेन का या सबका छोटा मतलब कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट करते जाओगे तो आप 45 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री क्या है कि नॉलेज वाला सब्जेक्ट, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो इसको करने के पहले मैं आपको बताने का जा रहा था कि जैसे मान लो कि पहले, मतलब जैसे कि मान लो कि 360 मार्क्स का, जैसे लास्ट की बात है, मतलब जेई मेन होता था, ठीक है, जेई मेन। अब मान लो कि जैसे हम लोग अगर 100 मार्क्स के ऊपर निकाले, मान लो कि एक, मान लो पेस में सपोज करो, जैसे 2-3 लोगों के मैथ्स में 100 के ऊपर है, तो जैसे मान लो आपने 100+ मार्क्स निकाले मान लो, तो हो सकता है मैथ्स में किसी को 120 भी आ जाए। मैं डिनाई नहीं करता, पेस में मतलब पेस की हिस्ट्री में, पेस नासिक सेंटर की हिस्ट्री में 2 बार लोगों के मैथ्स में 120 आए। मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करता, मतलब 2 बच्चे दोनों मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे थे, मतलब एक की जेई में 37 रैंक आई थी रजत राठी, और एक बच्चे की 175 रैंक आई थी, जेई एडवांस में बात कर रहा हूँ एक्चुअल में, और उसका नाम नीरज ठाकुर, दोनों मेरे पढ़ाए हुए बच्चे थे, दोनों के मैथ्स में नो डाउट 120 में 120 आए थे, ठीक है। तो 120 में 120 मैथ्स में आते हुए मैंने देखा है, पर मैंने केमिस्ट्री में आज तक नहीं देखा। जो फैक्ट है तो फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोलता, जो फैक्ट है तो फैक्ट है वो। तो मैथ्स में 120 में 120 भी आता है, पर रजत राठी के बैच में, वो जो बैच, उस बैच में वो एक सिंगल बच्चा था इसके मैथ में 100 के ऊपर क्रॉस किए। नीरज ढाके के बैच में 2 लोगों के मैथ्स में 100 के ऊपर क्रॉस किए, पर उसके 120 में 120, और एक बच्चे के और आए थे 110, बाकी किसी का क्रॉस नहीं किया। तो मैथ्स में हो सकता है, मान लो एक एग्जाम्पल कहते कि हो सकता है मैथ्स में मान लेते हैं कि 2-3 लोगों के आप लोगों में 100 के ऊपर आ जाए, हो सकता है, मैथ्स की मैं बात करो, ऐसा हो सकता है। फिजिक्स में भी आते हैं, पर फिजिक्स में थोड़ा नंबर कम होता है। फिजिक्स में 120 में 120 तो कम ही आता है, पर आने को आ सकता है, चलो 1-2 लोगों को आ सकता है। देखो आने का तो किसी का भी आ सकता है, और ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका
पर्सनल चॉइस क्या है, मैथ है फिजिक्स, और केमिस्ट्री कैसा है भाई, आपकी चॉइस हो या ना हो 100 वो दिलवाई देता है। मतलब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जिस साल नीरज ढाके एक्शन में था, ये 2015 वाले बैच की बात है, उस साल पेस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जेई मेन में पेस नासिक सेंटर से 10 लोगों के 100 के ऊपर मार्क्स है, 10 लोगों के, मतलब भर भर के मार्क्स, मतलब 115 110, तो मतलब 115 दो लोगों के, 110 भी दो लोगों के, भर भर के मार्क्स। हाँ फुल नहीं आए, ठीक है, ये बात है कि देखो 120 का मार्क्स पेपर था, तो प्लस और माइनस में तो लोगों के एक एक क्वेश्चन गलत हुए थे, पर 100 के ऊपर 10 लोगों के मार्क्स आए। और उन जिन लोगों के आए, जैसे मान लो कि उनका मतलब फेवरेट मैथ है फिजिक्स था, पर केमिस्ट्री में फिर भी उनको 100 मिल जाता है, तो केमिस्ट्री में क्या है भाई, जो पढ़ लोगे वही आएगा, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के आता नहीं है। तो केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, इस बात को आप समझो, और आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा मतलब ध्यान देना, आपको बहुत आराम से, अभी जेई मेन का पैटर्न इस साल से बदल गया, जनवरी में 100 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, आपको बहुत आराम से 80 मार्क्स आएगा, बहुत ईजिली। थोड़ा भी पढ़ाई कर लोगे केमिस्ट्री में, थोड़ा मतलब कि अरे मतलब पढ़ाई कर लोगे तो आ जाएगा, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का देखो केमिस्ट्री अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए, मैंने कई बार बोला भी है, अच्छा सब्जेक्ट है ही नहीं, एक्चुअल में बोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, पर हमारा टारगेट अभी ये नहीं है कि क्या अच्छा है क्या खराब, हमारा एक ही टारगेट है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी नज़र अर्जुन की जैसे होनी चाहिए, आपका जो टारगेट है आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, आपको कुछ और दिख रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, अरे महाभारत में था वो, उसको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता था वो, ठीक है, बहुत स्टोरी सुना होगा। तो आपका टारगेट सिर्फ एक है, जेई या नीट, इवन नीट के लिए भी यही सेम सीन है, नीट में भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो, तो आपका टारगेट सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, जेई, ठीक है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं। आपको मैथ पसंद है फिजिक्स पसंद है डजंट मैटर, टारगेट है जेई निकालना, और जेई में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट घटिया है बेकार है डजंट मैटर भाई, आपको मार्क्स लाने हैं ना कि रिसर्च करना है। आईआईटी में चले जाओ, वहाँ जाके 4 साल आराम से रिसर्च करना, जो करना है करना, वहाँ पे आपको हर चीज हर सारी फैसिलिटी मिलेगी, जिंदगी बहुत आगे, आराम से जाके रिसर्च करना, यहाँ पे रिसर्च करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, और जैसा पता ही है कि अपने लक्ष्य की इधर उधर कुछ भी देखोगे, लक्ष्य में आपका निशाना तीर नहीं लगेगा, ये फैक्ट है एक्चुअल में। जहाँ पे आपको दिया गया टारगेट, अगर आप इधर उधर भी कुछ किए तो टारगेट से भटक जाओगे। जेई का रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को ये भी चेक करते कि आपको अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो कि जो पूछा गया उसके हिसाब से। केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ सबसे बेकार सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स अच्छे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बकवास सब्जेक्ट, बकवास सब्जेक्ट, कोई इसमें डाउट ही नहीं। मुझे खुद पहले पसंद नहीं था, मैं किसी को क्या बोलूँ, पर मुझे उस बात से मतलब ही नहीं। हाँ मुझे खुद 11th में, मैंने कई बार बोला होगा, मुझे हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं, मतलब समझ ही नहीं आया था 11th में, मुझे खुद बेकार लगता था, पर जब टीचर ने मुझको समझाया और मैंने देखा यार इसको करके कितने आराम से मार्क्स आ जाते हैं, मैंने कहा क्या सब्जेक्ट है ये, और फिर मुझको, मैं जेई के हिसाब से कर रहा था, मुझे मार्क्स भी आ रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, मैंने कहा इससे अच्छा सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो पढ़ा वही आता है और क्या चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री भाई आपको ज़रूर करना है, केमिस्ट्री अगर नहीं आता है 100% जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर नहीं हुआ तो कहीं स्कोर नहीं होगा, ये फैक्ट है एक्चुअल में, ठीक है। उसको पढ़ जरूर लेना, अपने टारगेट पर नज़र होनी चाहिए, इधर उधर फालतू की चीज़ों पर नहीं कि सर ये क्या है, सर वो क्या है, ये क्या है, भाई अगर कोई चीज़ सिलेबस के अंदर नहीं है तो नहीं सीखना है, बात ख़त्म हो गई, नहीं सीखना है, ज़रूरत ही नहीं है। मान लो कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये बता दो वो बता दो, सर ब्लैक होल बता, अरे फालतू फालतू मुझे क्वेश्चन आता सर ये, अरे ज़रूरत ही नहीं है भाई, जब सिलेबस में नहीं है तो आईआईटी चले जाओ, 4 साल कोई काम नहीं होगा, आराम से वहाँ पे लैब मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, आराम से रिसर्च करना, कोई ज़रूरत नहीं। अभी ये 1.5 साल का टाइम है, यही सारा रिसर्च आपको करना है, तो यहाँ रिसर्च करोगे तो आप 1.5 साल बाद फिर के वाग में मिलोगे, आईआईटी तो आप भूल ही जाओ, फिर के वाग में ही जाओगे, वहीं जाके रिसर्च करना फिर आराम से, ठीक है। तो या तो अभी रिसर्च कर लो फिर के वाग में चले जाओ, या अभी सिर्फ अपने टारगेट पर नज़र रखो और आईआईटी चले जाओ, या फिर जहाँ पे भी आपका मान लो अच्छा मेडिकल कॉलेज का टारगेट वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ जाके भाई जो करना है कर लेना, अभी रिसर्च नहीं करना है, ये इस बात को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट पसंद है
नहीं पसंद है उससे कोई मतलब नहीं। आपका टारगेट सिर्फ एक है, जेई या नीट, जेई और नीट, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बकवास है भैया। हम लोग इस पर आते हैं भाई, इन दोनों मॉलिक्यूल पे। ये मॉलिक्यूल जो है इस पर आते हैं, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो ये CH3 और CH3, ठीक है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? पिरामिडल। कैसा है बेटा? ऐसा नहीं sp3, अरे भाई sp3 में एक लोन पेयर, पिरामिडल, ठीक है। इसमें देखते क्या है, कुछ तो खास बात होगी इसमें, तभी तो जेई में आया था। ऐसे कोई अल्तू फालतू क्वेश्चन देता तो जेई में क्यों आता, वो भी जेई एडवांस में कभी अल्तू फालतू चीज़ें देते ही नहीं। देते हैं तो कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई सेंस होता है। इंडिया में नया क्वेश्चन जेई एडवांस वाले लेते लाते, बाकी सब तो इंडिया में कॉपी पेस्ट वाले एग्जाम है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल इन्होंने ला दिया 2005 में, उसके बाद तो सब एग्जाम में आ गया। तो नया जो मिलेगा वो जेई एडवांस में मिलेगा। तो हाँ, आपको इतना क्वेश्चंस करवाया जाएगा, आप मोस्टली जे एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे सही, पर वहाँ उन्होंने कुछ ढूंढ के ला दिया नया, तो कुछ कह नहीं सकते भाई आप सही करोगे कि गलत। मैं इसलिए कभी भी जे एडवांस की गारंटी नहीं लेता। हाँ, पर जो मैं करवा रहा हूँ जेई मेन और नीट में तो 100% आपका सारा राइट होगा। उसमें मुझे 0.1% का भी डाउट नहीं है, कि आप गलत कर दोगे। जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से जेई मेन और नीट में आएगा, क्योंकि वो एग्जाम ही ऐसे कॉपी पेस्ट वाले, तो जब कॉपी पेस्ट वाले एग्जाम में तो कुछ अलग आता ही नहीं है। एडवांस में इधर उधर का कभी कभार ढूंढ के दे देते हैं, तो वैसे केस में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। अब मान लो जिस साल ये क्वेश्चन आया है, अगर किसी ने सोच लिया तो सही भी कर देगा। तो देखो, सिलिकॉन S3 और ये, अब लोग सर ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हो? देखो ऐसे इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। जब भी आपको एक सेकेंड पीरियड और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिखाई दे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए, जब भी आपको एक सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिखाई दे, तो सबसे पहले एक ही बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल या फिर डी सबसेल नहीं होता है, और थर्ड पीरियड में डी सबसेल होता है। सबसे पहले यही स्ट्राइक करना चाहिए। अगर सिक्स्थ पीरियड का क्वेश्चन है, सिक्स्थ पीरियड का, तो मैंने कहा कि क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पे लैंथेनाइड सीरीज। अगर कुछ कंपेयर है सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड कुछ भी, तो स्ट्राइक तुरंत करना चाहिए सेकेंड पीरियड में क्या डी सबसेल नहीं होता, इसलिए याद है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, और थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता है। अरे कैसे आप बोलोगे? अरे भाई n इक्वल टू 3 होता है ना, ये तो l इक्वल टू 0, 1 और 2, तो ये होगा ना 3D। तो सिलिकॉन में क्या बोलोगे? सिलिकॉन में है वैकेंट डी ऑर्बिटल, पूरा का पूरा भाई खाली पड़ा है, पूरा का पूरा एरिया खाली है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बैक बॉन्डिंग? अरे भाई मैंने कुछ रूल बताया कि कौन करेगा कौन नहीं। मैंने रूल क्या बताया आपको याद करो, मैंने रूल बताया कि अगर किसी एटम में किसी के पास लोन पेयर है और उसके बगल वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ढूंढना आपको पड़ेगा, कोई दिखाएगा नहीं। क्वेश्चन मैंने जो लिखवाया जेई का उतना ही था, दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और हाइब्रिडाइजेशन लिखो। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। जब बैक बॉन्डिंग होगी तो ये पाई, मतलब लोन पेयर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। अरे बैक बॉन्डिंग मीन्स पाई बॉन्ड, और जो लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं डीलोकलाइज, मतलब चला गया तो उसको डीलोकलाइज, और वैसे लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। सो दिस इज sp2, और sp2 का मतलब लोन पेयर तो चला गया। तो देखो 3 सिग्मा ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, अरे लोन पेयर तो चला गया ना, पाइक बॉन्डिंग हो गई भाई, वो चला गया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेना वो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन एन SiS3 thrice, मतलब इसको ब्रैकेट में 3 बार बाहर लगा लेना। बैक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन
इज sp2 एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये इसका आपका स्ट्रक्चर होगा। तो बैक बॉन्डिंग समझ में आ रहा होगा, तो बैक बॉन्डिंग ऐसा हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ बातों को आगे करते, कुछ स्ट्रक्चर्स कर ले। तो हम लोगों ने देखो, अब ऐसा है कि चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक बच रहे हैं, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। पर उन दोनों टॉपिक पे आने के पहले हम लोग कुछ चीज़ों को और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर्स को पहले ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो इसमें नीचे लिखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, किसका लोगे, और फॉस्फोरस, बस हो गया यही तीन। एक्चुअली यही तीन ज्यादा है, क्लोरीन के तो मैंने बना ही दिए तेरे। क्लोरीन का तो एक बार लिखा हुआ है ना स्टैटिक में, SLO4, SLO3, SLO2 और SLO करवा रखा ना एक बार, SLO4 वो सब। तो अब हम लोग इनके कुछ मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सल्फर से स्टार्ट करते हैं भाई, सल्फर को पहले लिखा है, ठीक है, SNP से। तो सल्फर के ढेर सारे मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, तो देखो क्या क्या, फटाफट लिखते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के नाम लिख दूंगा, हो सकता है एक दो मुझे ना याद हो। तो इधर से सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। SP3, H2SO3, तो एक ऑक्सीजन का जगह आपके पास सल्फर। आप बोलोगे सर ये कर दे, सर वो कर दे, अरे भाई करने को कुछ कर दो। मैंने आपको एक बार पहले बोला होगा कि एक गिवन फॉर्मूले के लिए बहुत से स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, बहुत से। पर आपको नहीं बोला तो आप नॉर्मली यही ड्रॉ करोगे, या आपको मॉलिक्यूल का नाम आएगा, दिस इज थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप केमिस्ट्री में कभी ऑक्सीजन की जगह का सल्फर लगाते हो, मैं रिपीट करता हूं एक चीज, अगर आप केमिस्ट्री में कभी ऑक्सीजन की जगह सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते तो वहां पर थायोवर्ड का यूज किया जाता है। थायोवर्ड स्पेशली तब यूज करते हैं जब ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, देन थायोवर्ड इज यूज्ड, ठीक है, ऐसे नहीं यूज करते। तो देखो दोनों सेम है, बस ओ की जगह एस। तो ये इसका फॉर्मूला थायोसल्फ्यूरिक एसिड। भाई करने को कुछ भी कर दो, पर आपको अगर नहीं बोला तो यही ड्रॉ करना है, ठीक है, यही इसका करेक्ट होता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अदरवाइज एक गिवन फॉर्मूले के बहुत से स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, इसको आइसोमर बोलते हैं, वो आगे कभी देखेंगे, ठीक है, अभी यही करना है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। अगर नेमिंग में कोई डाउट है सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में, तो स्क्रिप्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जो आप लोगों ने देखा होगा एक्चुअल में। लिखा जाए कुछ H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, सही चल रहा है ना ये। तो देखो ये मॉलिक्यूल है। अब इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम तो मुझको एक्चुअल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इसका नाम कोई बहुत फेमस नहीं है। देखो जो मॉलिक्यूल यूज होते रहते हैं, जो फेमस है उनके नाम याद रहते हैं, एक्चुअल में इसका कुछ स्पेशल फेमस नेम नहीं है, और मतलब ऐसे ही है, तो इसका कोई नाम मुझे याद नहीं है, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलियम, ओलियम। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है ओलियम को, H2SO4 प्लस SO3, वो दोनों को मिलाओ यही आएगा ओलियम, ठीक है। क्या होता है स्ट्रक्चर, ओ इसमें समथिंग रॉन्ग था ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये ओलियम। ओलियम, ठीक है।
अब ये मॉलिक्यूल का जो नाम है, देखो मैंने जो देखा और जो एक्चुअल में फैक्ट है, हो सकता है आप इसका मतलब स्ट्रक्चर भूल जाओ, हो सकता है, पर इसका नाम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि इसका नाम बहुत अलग है। इसका नाम तो कभी नहीं भूलता। हाँ, पर जैसे डाइबोरन मैंने बताया, डाइबोरन हो सकता है आदमी एक बार भूल जाए, पर बनाना बॉन्ड कभी नहीं भूलता। तो वैसे H2S2O8 शायद स्ट्रक्चर भूल जाए, पर इसका नाम मार्शल, ठीक है। तो ये नाम कोई नहीं बोलता, कोई मार्शल एसिड। तो कभी याद दिलाओ बच्चों को मार्शल एसिड, हाँ हाँ हाँ, पर फॉर्मूला को जो नहीं, फॉर्मूला याद नहीं रहता, पर नाम जरूर याद रहता, मार्शल एसिड, हाँ हाँ सर आपने मार्शल एसिड बताया था। तो इसका नाम आप ये नाम कभी नहीं भूलोगे, मार्शल एसिड, पर हो सकता स्ट्रक्चर भूल जाओ। This is मार्शल एसिड। तो देखो मैं कुछ बताने जा रहा हूं, इस बात को समझना। ये जेई में, नीट में, सब में आ चुका है। क्या क्वेश्चन कैसे आया था इसमें, देखो केमिस्ट्री में अगर कभी दो ऑक्सीजन के बॉन्ड लगातार है, लगातार ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं परॉक्सी लिंकेज। या फिर इसको बोलते हैं परॉक्साइड, ठीक है, इसको परॉक्साइड है, परॉक्सी लिंकेज बोलते हैं ऐसा। अरे H2O2 हाइड्रोजन परॉक्साइड, वही है भाई, ठीक है। तो मार्शल एसिड में परॉक्सी लिंकेज, जैसे मॉलिक्यूल सीरीज में दिए दिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट परॉक्सी लिंकेज, मार्शल एसिड इससे मिलता जुलता H2SO5 कैरोस एसिड, मार्शल कैरोस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैरोस एसिड। इसमें भी पेरोक्सी लिंकेज, ध्यान रखना, सेम पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। तो ध्यान रखना मार्शल एसिड एंड कैरोस एसिड। अब देखो क्या होता है, एच क्या ले ले, एस टू एस, ठीक है, और एन की वैल्यू, और क्या ले ले, ओ सिक्स, ठीक है। एन जो होता है वो 3 से लेकर 10 तक वेरी करता है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ मॉलिक्यूल, जैसे इसमें N=4, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, H2S4 और O6। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, HO, S डबल बॉन्ड, S, और S डबल बॉन्ड और OH, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। तो क्या होता है एक्चुअल में, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, N की वैल्यू ध्यान रखना 3 से लेकर 10 तक वेरी करती है। तो ऐसे जनरल फॉर्म में अरे भाई ये N है और 2 चले गए तो यहां क्या होगा, अरे N-2, इतना तो मैथ आता होगा, ठीक है। जैसे ये 4th है तो 2 यहां, तो 2 बचे, जितने होंगे लगा देना बीच में। तो ऐसे मॉलिक्यूल का सीरीज भी आपको आ सकता है, तो कोई आया तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा इसमें जैसे मान लेते हैं कि ट्राइमर ऑफ SO3, मतलब कि इसका सिलेक्ट है S3O9। तो SO3 का स्ट्रक्चर क्या है, तीन मॉलिक्यूल को लेना है। देखो पहले को ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, S3
O9 का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्या है H3O9 का स्ट्रक्चर। तो ये थे कुछ सल्फर के मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के कुछ और मॉलिक्यूल और कुछ और बॉन्डिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।